हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो i75 डिवाइस के अंदर आप स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बताने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, स्मार्ट कॉल से होता है या आप अपने फ़ोन में बहुत आसानी तरीके से अपने कॉल को रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव कर सकते हैं। आप अपने कॉल को रिसीव नहीं करेंगे, आप अपने डिस्प्ले पर टच नहीं करेंगे, फिर भी आप अपने कॉल को रिसीव कर पाएंगे। उसको कैसे यूज करेंगे, यही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अपने सेटिंग में चलते हैं, वहाँ से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग यूज करना है। दोस्तों, आपको उसके लिए फर्स्ट नंबर में अपनी सेटिंग को क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग को क्लिक करेंगे, सेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारे सेटिंग हैं। तो आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करना है और आपको नीचे आना है। नीचे आपको मिलता है शॉर्टकट एसेसिबिलिटी का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, जितने भी फ़ोन आ रहे थे, सभी फ़ोनों में स्मार्ट मोशन का ऑप्शन में स्मार्ट कॉल सेटिंग आ रहा था। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता दें, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो फ़ोन है, अभी नए फ़ोन आ रहे हैं, उसमें स्मार्ट कॉल सेटिंग नहीं मिल रहा है या है ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, क्योंकि जितने भी फ़ोन आते हैं, सभी फ़ोनों में स्मार्ट मोशन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग आता है। तो हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्मार्ट कॉल सेटिंग है या नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ आ रहा है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ और सेटिंग है। यहाँ पे डबल टाइप की सेटिंग है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट कॉल सेटिंग नहीं है। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, और ऊपर में मिलता है आपको यहाँ पे स्मार्ट वेक। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे है आपको स्मार्ट वेक, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेटिंग है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, और यहाँ पे स्मार्ट कॉल ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि आपके फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग नहीं है। यहाँ से आपको बैक हो जाना, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से कट कर लेना है। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बताएंगे आप अपने फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और इसके बाद आप अपने फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, आपको प्ले स्टोर में कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर में अपने सर्च करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है राइस टू आंसर। आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च करना है आपको राइस टू आंसर, और हम यहाँ पे पहले सर्च किए हैं, तो आपको भी अपने फ़ोन में इसको सर्च कर लेना है। और जैसे आप इसको सर्च करेंगे, ये एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन आ रहा है, तो ये वाला एप्लीकेशन है, आपको इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। हमारे फ़ोन में ये डाउनलोड इंस्टॉल है, तो आपको भी अपने फ़ोन में डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। तो हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या सेटिंग मिलता है, उसको क्या क्या करना है सेटिंग। चलिए आगे हम आपको बता देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं, और जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में चार ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चारों ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। इन चारों ऑप्शन को आपको अपने फ़ोन में इनेबल कर लेना है। तो आपको इन चारों ऑप्शन को ऐसे इनेबल करना है, आपको फर्स्ट नंबर में इसको इनेबल करना है, और इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे इसको भी इनेबल कर लेना है। और नीचे आपको दो ऑप्शन और बचता है, तो दोनों ऑप्शन को आपको इसको यूज़ करना है, और ये ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन बताएगा। आप देख रहे हैं बीप टू इनकमिंग कॉल्स, जब आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे वाइब्रेट ऑन इनकमिंग कॉल्स, तो आपको अपने इनकमिंग कॉल पे वाइब्रेशन यूज करना है, तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन भी इसको इनेबल कर लेना है। जैसे आप इसको इनेबल कर लेंगे, जब आपके पास कोई भी कॉल आएगा, तो वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, जब आप कॉल रिसीव होगी वहाँ पे वाइब्रेशन करेगा। तो आप इन चारों ऑप्शन को इनेबल करके अपने फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग यूज कर सकते हैं। आप इन चारों ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, और इसके बाद आपके पास कोई भी कॉल आएगी, तो आप अपने कान के पास जैसे लगाएंगे, तो आपका जो कॉल है ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। आपको उस पर रिसीव नहीं करना होगा, या अपने डिस्प्ले पे या कोई बटन आपको टच नहीं करना होगा, आपकी जो कॉल है ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।